السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर सात। तख्ती नंबर सात में है दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये उसकी अलामत है। और दो जबर, दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और जिस हर्फ पे तनवीन हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मनहूमन कहते हैं। जैसे कि ये हमजा है, ये बा है, इसके ऊपर तनवीन है, दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। अगर इसके ऊपर दो जबर है तो ये तनवीन है, और इस हर्फ को क्या कहेंगे? मनउवन कहेंगे। और जब ये इस तनवीन से खाली हो जाएगा तो वो फिर मुफरद हो जाएगा। और दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये हरकत की तरह इसकी आवाज होगी। जबर जो है, दो जबर, उसकी आवाज ऊपर को जाएगी, दो जेर की आवाज जो है वो नीचे को जाएगी, और दो पेश की जो आवाज है वो सामने जाएगी। तो अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ह दो जबर अन, बा दो जबर बन, ता दो जबर तन। हम इसको रहमानी पढ़ेंगे ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। अगर आप हिज्जा करके पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब में इस तरह से तमाम हरूफ को हिज्जा करके पढ़ सकते हैं। अन, बन, तन, फन, जन, हन, खन, दन, वन, रन, जन, सन, शन, साद जो दो जबर सन, जन, तन, जन, अन, गन, फन, कन, कन, लन, मन, नन, वन, हन, अन, यन। अब ये जो सबक है ये दो जेर है, दो जेर की आवाज जो है नीचे को जाती है। इसको अगर हमें हिज्जा करके पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हर्फ के बाद अलिफ नहीं है जैसा कि इसमें है, तो ये दो जबर के साथ ही खास है। मतलब दो जबर वाला जो हर्फ होगा उसके बाद ही अलिफ उसमें मिला हुआ होगा, दो जेर के साथ ये नहीं है। इन, बिन, तिन, फिन, जिन, हिन, खिन, दिन, दिन, रिन, जिन, सिन, शिन, सिन, ये पुर हर्फ में से है, इसको पुर पढ़ा जाएगा। ये चारों हर्फ जो है पुर हर्फ में से हैं। जिन, तिन, जिन, इन, गिन, फिन, किन, किन, लिन, मिन, निन, विन, हिन, इन। हमजह दो जेर इन, या दो जेर यिन, या दो जेर यिन, इस तरह से हम जो है इसको हिजा करके पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दो पेश। दो पेश की जो आवाज है वो सामने को जाती है और मुंह थोड़ा सा गोल होता है, ओंठ जो है गोल होता है। इसको हम हिजा करके कैसे पढ़ेंगे? हमजह दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन। तो इस तरह से जो है हम इसको हिज्जा करके पढ़ेंगे। आगे हम रहमानी पढ़ेंगे। हुन, खुन, दुन, जुन, रुन, जुन, सुन, शुन, सुन, जुन, तुन, गुन, उन, गुन, फुन, कुन, कुन, लुन, मुन,
नुन वुन हा दो पेश हुन हमजा दो पेश उन या दो पेश युन या दो पेश युन। तो हम लोगों ने पढ़ा दो जबर दो जेर दो पेश। दो जबर दो जेर और दो पेश को तन्वीन कहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। दो जबर ये इसकी अलामत है, दो जेर ये इसकी अलामत है। दो जबर हमेशा हर्फ के ऊपर होगा, दो जेर हमेशा हर्फ के नीचे होगा और दो पेश ऊपर होगा, इसको तन्वीन कहते हैं। और ये जो तीनों अलामत जिस हर्फ पे आ जाएं अलिफ से लेकर के या तक, उस हर्फ को जो है मनउन कहते हैं।